नमस्कार दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है, आदमी छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानियां बड़ी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल GKY प्रदीप सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने क्रेज कोर्स की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी और उसमें हमने एक टेस्ट सीरीज डाल दी है, ये दूसरी टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज रहेगी। दोस्तों, इसके आंसर हम आपको कॉमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाल दिए जाएंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, आप वहां से आंसर चेक कीजिए और उस आंसर को देखे बिना जल्दी जल्दी आपको पहले कमेंट करने हैं, फिर आपको आंसर आपके मैच करने हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हरियाणा के विश्वविद्यालय से संबंधित एक नई टेस्ट सीरीज। दोस्तों, यहां से बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी? आपको बताना है दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी। और दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया? पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों, आज का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जब बनी तो उसमें कितने विभाग थे? उसमें कितने विभाग थे? दोस्तों, आपको बताना है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी तब उसमें कितने विभाग थे। पहला, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी। सेकंड, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया। और थर्ड, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कितने विभाग थे। दोस्तों, चौथा बताना है आपको, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी आपको बताना है। और साथ में ये बताना है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है। दोनों दोस्तों एक ही क्वेश्चन में बताने हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है। दोस्तों, आज का पांचवा क्वेश्चन ये रहेगा कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में किस नेम से जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को वर्तमान में किस नेम से जाना जाता है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में किस पर शोध हुआ और इसे किस शोध के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों, छठा क्वेश्चन रहेगा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में किस पर शोध हुआ और इसे किसके लिए सम्मानित किया गया। सातवां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको बताना है MDU यूनिवर्सिटी कहाँ रहेगी। दोस्तों, आपको बताना है MDU यूनिवर्सिटी कहाँ रहेगी, ये हमारा सातवां क्वेश्चन है। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको आठवें क्वेश्चन में बताना है दोस्तों, MDU यूनिवर्सिटी कहाँ है। MDU यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? दोस्तों, ये हमारा आठवां क्वेश्चन है, MDU यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। और दोस्तों, जो हमारा नौवां क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। आपको बताना है दोस्तों, दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। और जो दसवां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हमारा रहेगा, गुरु जंबेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कब बनी। आपको बताना है दोस्तों, गुरु जंबेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कब बनी। और ग्यारहवां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, गुरु जंबेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया था, इसकी शुरुआत या उद्घाटन किस CM ने किया था। हरियाणा के किस CM ने गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था या इनोग्रेशन की थी। दोस्तों, हमारा जो बारहवां क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, CDLU यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। दोस्तों, आपको बताना है कि CDLU यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी। दोस्तों, आज का हमारा जो तेरहवां क्वेश्चन रहेगा वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा तेरहवां क्वेश्चन
क्या रहेगा हमारा 13वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भगत फूल सिंह, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय या महिला यूनिवर्सिटी कहां पर है? आपको बताना है दोस्तों, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी, ये आज का हमारा 13वां क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया तो, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी। और दोस्तों आज का जो हमारा 14वां क्वेश्चन रहेगा वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको बताना है भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी कब बनी, भगत फूल सिंह, ये 14वां क्वेश्चन रहेगा, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी कब बनी। 13वें में बताना है दोस्तों कहां पर है, 14वें में बताना है ये कब बनी। और दोस्तों 15वें में आपको बताना है बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहां पर है। 15वें क्वेश्चन में बताना है दोस्तों भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहां पर है। 16वें में दोस्तों आपको बताना है कि एक हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा, हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है। और दोस्तों 17वां क्वेश्चन आपको बताना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है, और एक आपको ये बताना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना था। आपको दोनों बताने हैं दोस्तों कब बना था, एक तो बताना है दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है और एक बताना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना था। ये दोस्तों हमारे 17वां क्वेश्चन था। 18वां क्वेश्चन दोस्तों और इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि YMCA यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या है, YMCA यूनिवर्सिटी का नया नाम। आपको बताना है दोस्तों YMCA यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया है, आपको इसका नया नाम बताना होगा दोस्तों। अगला 19वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी। आज का 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी। दोस्तों और आज का जो 20वां और अंतिम क्वेश्चन रहेगा हमारा, 20वां और अंतिम क्वेश्चन जो हमारा रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा चौधरी बंसीलाल। आपको बताना है दोस्तों चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी, आपको बताना है दोस्तों चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी। और इसके साथ ही बता देना ये यूनिवर्सिटी है कहाँ, एक तो बताना है आपको कब बनी और एक बताना है कहाँ पर है। दोस्तों ये आप टेस्ट सीरीज कर लीजिए, यूनिवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। दोस्तों एक बार आपने ये टेस्ट सीरीज कर ली तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आग की तरह शेयर करो, अपने फ्रेंड की तरफ पहुंचा दो ताकि वो भी इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट ले पाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।